Hello student, we are providing Sentential online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 9 and today topic is precipitation studies of coordination compound. इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रेसिपिटेशन जब हम करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। अब आप देखो यदि हम ये कंपाउंड ले रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है कि कोबाल्ट के साथ 3 क्लोरीन और 6 अमोनिया है, तो इसमें हमको ये देखना है कि कितना प्राइमरी लिंकेज से जुड़ा हुआ और कितना सेकेंडरी लिंकेज से जुड़ा हुआ, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कैसे लिखेंगे, एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये कैसे बनेगा। तो इसके स्टडी के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि CO Cl3 6NH3 का हम एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, कोबाल्ट है, 3 क्लोराइड है और 6 अमोनिया है, और इसमें हम AgNO3 को डालते हैं। इस सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दिया, AgNO3 का सॉल्यूशन हमने डाल दिया। तो जैसे ही AgNO3 का सॉल्यूशन डालेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ प्रिसिपिटेट बनेगा। तो प्रिसिपिटेट क्या बन रहा है, सपोज करो कि आपको जो प्रिसिपिटेट मिल रहा है वो ये मिला कि AgCl का प्रिसिपिटेट मिल रहा है, कितना, तो 3AgCl PPT मिल रहा है आपको, 3AgCl PPT आपको ऑब्टेन हो रहा है। इसका मतलब है कि इससे जो 3 क्लोराइड है वो क्या है, वो प्राइमरी लिंकेज से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि जो आपका पीपीटी बना वो क्या बना, 3AgCl का पीपीटी मिला, क्योंकि जो प्राइमरी लिंकेज से होता है वही आयनाइजेबल होता है और जो सेकेंडरी लिंकेज से जुड़ा होता है वो पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। यदि 3 मोल PPT बन रहा है, मीन्स 3 मोल AgCl PPT दे रहा है, तो इसका कंपाउंड क्या होगा। यदि इसके कंपाउंड को हम लिखें तो ये निकल के आया कि CO NH3 होल 6 Cl3, ये कंपाउंड होगा। ये जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा कंपाउंड बनेगा, तो ये कंपाउंड बनेगा हेक्साएमाइन, क्या बनेगा, ये हेक्साएमाइन कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे 3 और क्लोराइड। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यदि हम इसमें सर्च करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या बनेगा इसमें। यदि एक तो पहला हमको ये देखना था कि यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या रहा होगा, इसका क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, तो ये निकल के आ गया। हमने कैसे लिखा, तो 3 मोल ऑफ AgCl दे रहा था, मतलब ये जो Cl है वो क्या है, प्राइमरी लिंकेज से जुड़ा हुआ है, वो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है, तो इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने ऐसे लिख दिया। अब ये कितना इलेक्ट्रोलाइट्स का फॉर्मेशन करेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, इलेक्ट्रोलाइट वो क्या होगा, सो देखो, अब सिंपली इस कंपाउंड को आपको ब्रेक कर देना है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या बन जाएगा, CO NH3 होल 6, 3 पॉजिटिव चार्ज प्लस 3 Cl माइनस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना हो गया, तो 1 इलेक्ट्रोलाइट ये बना और 3 ये बन गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3, दैट मीन्स 4। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना बनेगा, 4 बनेगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सेकेंड तो देखो क्या है, ये फर्स्ट था, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आपको कि CO Cl3 5NH3। जब हम क्या करेंगे कि AgNO3 का रिएक्शन कराएंगे और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कितना पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम सपोज करो कि यहाँ पर हमको मिल रहा है 2 मोल AgCl PPT। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये हो गया कि 2 क्लोरीन जो है वो क्या है, प्राइमरी लिंकेज से जुड़ा हुआ है, और 1 क्लोरीन जो है वो कहाँ पर है, सेकेंडरी लिंकेज से जुड़ा हुआ है, यही कारण है कि वो आयोनाइज नहीं हुआ। तो हम इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या लिखेंगे, CO Cl NH3 का होल 5, और 2 क्लोरीन को हम बाहर कर देंगे। क्यों 2 क्लोरीन को हमने बाहर किया, क्योंकि 2 क्लोरीन प्राइमरी लिंकेज से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी लिंकेज से जुड़ा हुआ है जो आयनाइजेबल है, यही कारण है कि आपको 2 मोल AG। तो जितना पीपीटी बनेगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा, यहाँ 3 बन रहा था तो हम 3 को क्लोरीन को बाहर कर दिए, जो बचा उसको हम अंदर रख दिए,
यहाँ दो को हमने बाहर किया, तीन में से दो को बाहर कर दिया, एक क्लोरीन अंदर रह गया, वो सेकेंडरी लिंकेज से जुड़ा हुआ है। इसमें नंबर ऑफ आयंस कितना बनेगा, तो आप नंबर ऑफ आयंस यदि ढूंढ रहे हो, नंबर ऑफ आयंस और इलेक्ट्रोलाइट यदि ढूंढ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, COCl NH3 होल 5 Cl2 ये आयनाइज हो जाएगा और ये COCl NH3 होल 5 क्या बनेगा, 2+2Cl माइनस। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना बनेगा, यदि आप देखोगे 2N1 3, तो कितना हो गया 1+2, दैट मीन 3 आयंस का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखो आप। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, तो थर्ड क्वेश्चन है COCl। थर्ड क्वेश्चन को यदि देखें तो COCl3.4HNH3 दिया हुआ है। फिर हमको काम क्या है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितना बनाएगा, ये हमको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये कितना PPT बना रहा है। मान लो कि यहाँ पर AgNO3 के साथ हमारा क्या दे रहा है ये, यदि सपोज करो कि 3 mole PPT दे रहा है, ये भी हो सकता है कि 3 mole ऑफ AgCl PPT बना। इसका मतलब तीनों क्लोरीन कहाँ पर है, बाहर है, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CONH3 होल 4 यही बच गया, और तीनों क्लोरीन कहाँ गया, बाहर, मतलब तीन क्लोरीन प्राइमरी लिंकेज से जुड़ा हुआ है। और आयंस कितना बनेगा, तो आयंस बनाने के लिए आपको यहाँ पर CONH3 होल 4 प्लस 3 Cl माइनस, नंबर ऑफ आयंस और इलेक्ट्रोलाइट कितना हो जाएगा, 1+3, दैट मीन्स 4 आ जाएगा। यदि सपोज करो कि यहीं पर हम थर्ड क्वेश्चन को ही लेते हैं और COCl3 4NH3, यदि हम AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दें और ये सपोज करो कि आपको 2 mole या 1 mole AgCl का PPT दे देता है, ये PPT। इसका मतलब क्या होता है कि एक Cl प्राइमरी लिंकेज है और दो क्या है, सेकेंडरी लिंकेज है। उस कंडीशन में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लिखते हैं NH3 होल 4, और Cl भी गलत हो गया, CONH3 होल 4, और दो क्लोरीन क्या होता है, बाहर अंदर रह जाता Cl2, और एक ही क्लोरीन बाहर जाता क्योंकि एक ही मोल AgCl का PPT का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसको आयनाइज कर देंगे, कितना आयंस बनेगा, तो CONH3 होल 4 Cl2, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है और ये आयनाइजेबल नहीं होगा, प्लस यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, Cl माइनस। तो नंबर ऑफ आयंस कितना हो गया, नंबर ऑफ आयंस और इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू 1+1 मीन्स 2। तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो भी क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, जैसे फोर्थ में अब आपको समझ में आ जाएगा कि यदि इसी का लिखना है तो कैसे होगा, ये हमने अभी आपको कर दिया। फिर COCl3 और 3NH3 दिया है, यदि हम इसको ले लें एक एग्जाम्पल में, तो देखो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर फिफ्थ का, COCl3.3NH3, और इसमें हमने AgNO3 डाल दिया है, इसमें नो PPT दे रहा है, नो PPT ऑफ AgCl। इसका मतलब क्या है कि एक भी क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या लिखाएगा, COCl3 और NH3 का होल थ्राइस ये आ जाएगा। नंबर ऑफ आयंस कितना होगा, तो नंबर ऑफ आयंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बाहर है ही नहीं, तो आयनाइजेबल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये आयनाइज नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, 0 होगा, और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई नहीं है, इसलिए आयनाइज होने का कोई चांस नहीं है, तो इसलिए 0 हो जाएगा।
तो इस तरह से क्या करते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा सेकेंडरी लिंकेज से जुड़ा हुआ है, कौन सा प्राइमरी लिंकेज से जुड़ा हुआ है, जो प्राइमरी लिंकेज से जुड़ा हुआ है उतना ही AGCL PPT बनाएगा, और जो सेकेंडरी लिंकेज से जुड़ा हुआ PPT नहीं बना सकता है, वो PPT का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी निकाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है कभी कभी आपको कंपाउंड लिखने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी आया हुआ है, और साथ ही साथ आपको कभी कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी ढूंढने के लिए इसमें करता है। थैंक यू।